तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू लाइफस्टाइल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसू लाइफस्टाइल के अंदर। तो गाइज हम जा रहे हैं आज बदासिया, मतलब हमारे यहाँ एक सब्जी मंडी है, वहाँ पास से हम सब्जी लाएंगे, क्योंकि यहाँ रोज पास से लाते हैं तो यार महंगी पड़ जाती है, दुकान से लाते हैं। तो वहाँ मंडी है, मंडी से जाएंगे। शाम के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7, मैं और शिवचरण भाई। शिवचरण भाई क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं भाई, सामान खा रहा हूँ। सामान नहीं, शिवचरण भाई गाँव से लाया था गुड़, और गुड़ खा रहा है, गुड़ का एंजॉय ले रहा है। मैंने भी गुड़ ले रखा है अपना। यार शिवचंद भाई का गुड़ एकदम अच्छा है यार, खाने में एकदम मजा आता है। तो ये ले रखा गुड़, गुड़ खाते खाते जाएंगे बदासिया और वहाँ जाके बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ लोग, मेन तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक करें। मैं और शिवचंद भाई जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए मंडी के अंदर। शिवचंद भाई दुकान से कुछ सामान ले रहा है और मैं इधर खड़ा हूँ हाईवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर खड़ा खड़ा देख रहा हूँ नज़ारा कैसा क्या है। तो जा रहे हैं, यहाँ से मंडी थोड़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर है, जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। रात हो चुकी है, देखो भाई 7 बज चुके हैं शायद, आते आते में 8 या 9 बज जाएंगे क्योंकि वहाँ भी टाइम लगेगा। तो चलते हैं, शिवचंद भाई आ रहा है, आने के बाद में हम दोनों साथ चलते हैं मंडी के अंदर। छान घरों को देखते हुए हम जा रहे हैं मंडी की तरफ, और रास्ते में देख सकते हो 1% भी कोई आना जाना नहीं है, एकदम सुनसान हो चुका है। वैसे जोधपुर के अंदर लोग इतनी जल्दी सोते तो नहीं है, क्योंकि इनकी सोने का टाइम होता है रात को 12-1 बजे तक रात को बाहर घूमते रहते हैं। और मकान देख सकते हो जो गाइस, जोधपुर के अंदर ऐसे मकान बने रहते हैं, हमारे उधर नहीं मिलते हैं ऐसे मकान, काफ़ी अच्छे लगते हैं यार ये हवेली टाइप के। पहले मैं इसी गली में, सामने जो गली दिख रही है उस वाली गली में एक हॉस्टल है महादेव हॉस्टल के नाम से। पहले मैं स्टार्टिंग में जब जोधपुर आया था तो मैं उसी हॉस्टल में रहता था, फिर बाद में मैंने रूम ले लिया, अब मैं रूम पर रह रहा हूँ। कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं। ये यहाँ पास में मंदिर है, एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है शायद, क्योंकि मेरे को इधर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं 4-5 महीने से तो जोधपुर आया हूँ, पहले मैं बाहर रहता था किधर। और ये देखो राधा कृष्ण जी के मंदिर में आरती हो रही है शाम के टाइम पे, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू है इधर का। और जो जिस हॉस्टल में मैं रहता था उधर, वो सामने वो है हॉस्टल, उसमें मैं रहता था इधर, पहले रहता था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं अब इधर नहीं रहता हूँ, दूसरी जगह पर रहता हूँ। वो जगह भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ सब्ज़ी मंडी से काफ़ी दूर है, लेकिन कॉलेज में थोड़ी पास में पड़ती है, इसलिए मैंने रूम वहीं से ले लिया, वहीं शिफ्ट हो गया हूँ। और अब यहाँ देखो सामने दुकानें शाम को क्लोज होने वाली है, यहाँ दुकान वगैरह ज़्यादा देर तक खुली नहीं रहती है, दुकानें ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं, यहाँ 8-9 बजे तक बंद हो जाती है। अब देखो टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, शाम के 8 बज चुके हैं, और घूम रहे हैं ऐसे ही जोधपुर की सड़कों पे। लोग शाम को 8 बजे तक खाना वाना खा के सो जाते हैं, और हमने ना तो खाना खाया ना कुछ, और सुबह भी खाना नहीं खाया था, सुबह की थोड़ी ठंडी पड़ी थी, खाना रोटी पड़ी थी, बस वही खा के हमने टाइम स्पेंड किया है। देखिए क्या होता है, थोड़ी सी दूर और है, जाम जाएंगे लग जाता है, इसके कारण पूरा ट्रैफिक लग चुका है इधर, देख सकते हो भाई बहुत भारी मात्रा में ट्रैफिक है इधर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भाई। ये बाइक की ड्रीम कार खड़ी है इधर, एक दिन ज़रूर लेंगे इसको भी, ये है अपनी ड्रीम कार, ये ड्रीम कार है अपनी, एक दिन ज़रूर लेंगे इसको। इधर से ही जो गाड़ियों में सामान आता है सब्जी वगैरह, वो इधर से आते हैं ट्रैक वगैरह के, इधर से अंदर जाते हैं इस वाले एरिया से, और ये एरिया है जोधपुर का सब्जी मंडी एरिया, यहाँ इधर शायद काम चल रहा है। मैं पिछली बार आया था तो ये वाला फोल नहीं था, ये गेट नहीं लगाया गया था शायद, अभी लगाया नया, क्या अच्छा लगता है। और ये देख सकते हो बड़े बड़े बोर्ड लग रखे हैं इधर, यहाँ से दुकानें वुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी टाइम की दुकानें लग रही है, काफ़ी टाइम से लग रही है। और आज यार ज़्यादा कुछ भीड़ वाला माहौल लग रहा नहीं है, क्योंकि शायद लेट टाइम उसकी वजह से होगा, क्योंकि शाम तक लोग आते हैं वो ख़रीद के ले जाते हैं, लेट माहौल है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही, नॉर्मल भीड़ है। अभी आगे जाके आपको दिखाएंगे, अपना भाईचारा खड़ा है अपना दोस्त, और क्या हाल है, ये तो यार भाव भी नहीं दे रहा है। ये देखो यहाँ से एरिया स्टार्ट हो चुका है, वैसे ये सब्जी मंडी एरिया स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से भीड़ तो नहीं है, नहीं हम रोज़ आते हैं तो भीड़ काफ़ी मात्रा में रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो प्याज वाले भैया से जाकर पूछेंगे कि प्याज क्या भाव दे रहे हो, क्या सब्जी दे रहे हो, किस हिसाब से लेंगे। तो गाइज शिवचंद भाई पूछ रहा है इधर सब्जी क्या भाव, भाई ने बता दिया 100 के 2 किलो है, और आगे पूछते हैं, देखिए 100 के 2 किलो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यार, और दूसरी दुकान पर जाके पूछते हैं देखिए क्या हो रहा है। तो गाइज हमें आवाज़ सुनाई दी है इधर हर माल 20 रुपये किलो, तो उसके पास जाते हैं जो हर माल 20 रुपये किलो दे रहा है, तो देखते हैं ये भाई कितने का क्या दे रहा है। अच्छे सामान ले रहे हैं अभी शिवचंद भाई ने थोड़ा सा सामान लिया है, मंडी के अंदर ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है, देखो रात के बज चुके हैं 9 बजे तक, यार क्या आदमी होते हैं जो चले जाते हैं सारे के सारे, और मैं और शिवचंद भाई तो क्या है हमारे जैसे बैचलर्स आते हैं रात को, फिर भी देखते हैं देखिए कौन कौन मिलता है क्या क्या मिलता है।
तो देख सकते हो गाइस, शिवचरण भाई ने तो ले लिया अपना सामान, प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए और जो भी चीज़ चाहिए होगी वो शिवचरण भाई ने ले लिए। और अब हम जा रहे हैं रूम की तरफ, देखते हैं और रास्ते में कुछ और चीज़ मिलेगी तो और भी ले लेंगे और रूम पे जाके बताएंगे कि आपको क्या क्या ले रहे हैं। और ये देख सकते हो गाइस, शिवचरण भाई ने जो जो सामान लिया वो अपना लेके चल रहा है एकदम मस्त तरीके से। ये पहले मंडी इतनी बड़ी नहीं थी, थोड़ी छोटी थी, अभी गाँव जाने के बाद में इसका काम चालू हो गया है, देखो गाइस। और हमने तो ज़्यादा महंगी दुकान पर तो गए नहीं, जहाँ मात्र सारा माल 30 रुपये में मिल रहा था, हम उस दुकान पे जाके पूरा सामान लेके आ गए। हम जोधपुर की सड़कों पे यार रात को घूमने का मज़ा तो कुछ अलग ही है, सच्ची बताएं। इधर मैं हूँ और इधर अपना शिवचरण भाई, दोनों जा रहे हैं मस्त घूमते घूमते। 9:30 तो बज चुके, रूम पे जाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, पड़े खाएंगे और सोएंगे। सुबह जाना है कॉलेज, कॉलेज की फाइल्स अभी पेंडिंग में पड़ी है जो हमने बनाई नहीं है। शिवचरण भाई ने तो बना लिए 2-3 और मैंने एक भी नहीं बनाई अभी तक। तो गाइस एकदम काफ़ी रात हो चुकी है, इधर कोई मंदिर का प्रोग्राम चल रहा है, रात के 9:10 बजे से यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जो हम जा रहे हैं मंदिर के सामने से होते हुए। हमारा रूम अभी दूर है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो दूर होगा, किसी उतरना 1 किलोमीटर दूर है ना, 1 किलोमीटर हमारा रूम दूर है। यहाँ जोधपुर में मंदिर काफ़ी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी मंदिर ही मंदिर है यहाँ। अब वो मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ ये भजन कीर्तन हो रहा है, प्रोग्राम है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इधर मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, हमारे पीछे चल रहा है मंदिर का प्रोग्राम, गणेश महोत्सव हो उसकी वजह से ये प्रोग्राम चलते रहते हैं इधर। इधर हमारे गांव में तो एक जगह होता है ये प्रोग्राम, जोधपुर के अंदर तो गली गली के अंदर ये प्रोग्राम होता रहता है, मतलब हर गली के अंदर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे हमारे होलिका दहन भी एक जगह होता है, सारा काम एक जगह होता है, लेकिन मंदिर का प्रोग्राम भी एक जगह होता है। इनके अंदर हर गली के अंदर अलग अलग मंदिर है, वहाँ अपने अपने प्रोग्राम्स करते रहते हैं। पहुँच चुके दुकान के ऊपर, आज मार्ट के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सामान है, तो सामान को लेकर मार्ट के अंदर कौन जाएगा, तो शिवचरण भाई जाएगा दुकान से कुछ सामान लेने के लिए। तो जाओ शिवचरण भाई दुकान से सामान लाएगा, मैं इधर खड़ा हूँ। उधर देख सकते हो गाइस, शिवचरण भाई दुकान से सामान लेने के लिए चला गया, कुछ ही देर में वो सामान लेके आ जाएगा, फिर हम जाएंगे रूम के ऊपर। रूम के लेके आ चुका है फॉर्चूनर तेल की बोतल तो नहीं, पाउच लाया। शिवचरण कितने रुपये का है? 110 रुपये, इसको गिरा मत देना यार। हम आ चुके हैं अपने रूम के ऊपर, हम लाए थोड़ा सा सामान। इधर देख सकते हो, एक तो लाए तेल का पाउच, जो हमें ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ा क्योंकि मार्ट में से नहीं लाए थे, दुकान पे से लाए, मार्ट में जाने का टाइम नहीं था हमारे पास में। और शिवचरण भाई लाया है सब्जी, तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या सब्जी लाए हैं आज। शिवचरण भाई दोनों मिलकर लाए हैं सब्जी, देखिए क्या क्या सब्जी लाए। शिवचरण भाई क्या क्या लाए उसके अंदर? सब कुछ लाए गए। ये देखो ऑलमोस्ट कितने रुपये की सब्जी है शिवचरण भाई टोटल? ये वो वाली सब्जी टोटल 160 की, थोड़ी 120 की होगी शायद, 120 की, वो 40 रुपये की वो थे, ये तो 120 रुपये की है ना भाई। ये देखो 120 रुपये की हम सब्जी लाए हैं टोटल, अगर गांव से या मतलब कहीं से इस दुकान से लेना तो 120 रुपये में कुछ भी नहीं देंगे हम ये, और 20 रुपये दुकान वाले ने हमसे मांगे नहीं वो तो हम जकड़ दे के आ गए उसके। ये देखो प्याज एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, उत्तम क्वालिटी का, ऐसा नहीं है मैं बढ़िया माल लेके आए। टमाटर देखो गाइस, देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे एकदम स्वीट ताज़ा टमाटर लाए हैं। सब्जी काफ़ी सस्ती मिल जाती है मंडी के अंदर, इसलिए हम मंडी जाते हैं।